बड़ा सिंगिंग स्टार है अदनान भाई, हमारे सुपरस्टार बने जल्द से जल्द, और आयरा वुड बी वन ऑफ द बेस्ट, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इनके हो और फिल्म में सबसे ज्यादा ये करें। और अभी जैसे किसी ने सवाल किया था इसके बाद क्या करें, तो मेरी दुआ है सिंगल से हम डबल पे जाएं, ये टीम फिल्म में जाए तो उसका मजा होगा। और आई बिलीव दे आर वेरी 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 गुड एक्टर्स, इंशाल्लाह इन इन थोड़े दिनों में आप देखोगे लोग राज करने वाले हैं। बहुत ही सुपर ये सॉन्ग गया है एंड मिलियंस क्रॉस कर रहा है। सो सबसे पहले तो बताएं कि क्या कुछ फीलिंग है इस गाने को लेकर। मैंने देखा कि बहुत सारे जो बॉलीवुड के नोन चेहरे हैं उनके गानों को भी ये बीट कर रहा है ये गाना, तो क्या फील करते हैं आप लोग एंड व्हाट डू यू से एनीवन लेडीज फर्स्ट, या कोई लेडीज स्टार्ट कर सकता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आने के लिए, एंड ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। एक ही दिन में इतने अच्छे व्यूज़ आना, इतना सराहा जाना बहुत काबिले तारीफ है, हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है, और हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से पसंद किया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा खुशी हम बयान नहीं कर सकते कि क्या है। सबकी मेहनत है, हम सबकी, अदनान की, मोहन साहब ने इतना अच्छा गाया है, अमजद नदीम जी है, सब लोग हैं, हमने अपना प्रोडक्ट बनाया, हमने अपनी मेहनत की, अब ऑडियंस पे था कि वो हमें अच्छे से प्यार दे, अच्छे से पसंद करे, और उन्होंने जितने अच्छे से हमें प्यार दिया है वो हम उनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। नाम जी, मैंने जो गाना देखा बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, कुछ कहेंगे आप इस गाने की सक्सेस को लेकर? मैं ईगोइस्टिकली साउंड करना चाहूंगा बट आई ऑनेस्टली बिलीव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट that this song was going to be a success. Kyunki when you hear this, the lyrics of the song, itna, they're so beautiful, this and so well sung, and you've got such a beautiful lady in the song as well, you know. I looked at all this and I said, this song has to be a success. I was in Dubai when I got the call for this song. I was on vacation. And मैंने रात के 3 बजे ये गाना सुना for the first time. I was blown away, man. I said I have to. Just this song has so much feeling and so much heart. So I consider myself lucky that Ayra and her team and Moin Saab and his team all reached out to me and we got this. Yeah. I definitely knew. Again, not sounding egoistical, but मुझे यकीन था that this song is going to be amazing. मेरे फैंस भी बहुत सारे जो इंडोनेशियन फैंस हैं, they don't know Ayra so well, but they all reported that they love the chemistry. And मेरे दिमाग में ये मैं सोचने लगा कि यार, I think we should make like just ideas are coming out and I was like we should make a series, you know, Moin Saab will keep singing and we and Ayra are gonna just continue doing this what we do. क्या करेंगे? इंशाल्लाह। So I was thinking that, Moin Saab आप बताइए इस गाने को लेकर, and जैसा कि मैडम ने पूछा कि क्या आगे भी आप हमारे लिए इस तरह के गाने करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शुरू कर रहे हैं, बट इस गाने से एक अटैचमेंट रहा है शुरू से। मेरे भाई हैं अमजद नदीम आमिर भाई, सो मतलब शुरुआत तो वहाँ से हुई है, तो उन्होंने इस गाने को पता नहीं ऐसा बनाया है कि वो एक फील भी है उसमें, एक उनकी राइटिंग भी माशाल्लाह दोनों की बहुत अच्छी है, जबकि वो फ्लो में बहुत अच्छा लिखते हैं, ऐसे प्रोफेशनली उनको खिताब नहीं मिला है, बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना घटून के अंदर है उनके, कि वो बहुत अच्छे तरीके से राइट करते हैं, सो आपको इस गाने के अंदर नजर आएगा उनकी कंपोजिशन, कहीं ना कहीं मैंने गा दिया उसको, कहीं ना कहीं डोंट पुट इट, नो 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 ही सैंग इट, उनकी मेहनत है ये, क्योंकि एक कंपोजर का बहुत बड़ा योगदान होता है एक गाने के साथ, सिंगर के साथ, कि वो गा दे तो कहीं ना कहीं गाना बहुत अच्छा हो जाता है, सो माशाल्लाह गाना अच्छा बना, गाना अच्छे बनने के बाद उसमें बहुत अच्छे अच्छे चेहरे आ गए,
माशाल्लाह आयरा है, अदनान भाई है, आयरा ने बहुत अच्छा एक्ट किया है, सबने बहुत तारीफ की है। मेरे क्लोज जो बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, उन्होंने आयरा की बहुत तारीफ की, अदनान भाई के लुक की बहुत तारीफ की, और कहीं ना कहीं ये दोनों अगर आप देखें ना तो इस वक्त इंस्टाग्राम पे इन दोनों की बहुत सारी पिक्चर वायरल हो रही हैं, अलग अलग तरीके से बन के। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और अच्छा करें। बट इसके साथ कहीं ना कहीं एक अच्छी अटैचमेंट और एक याद रही है हमारी दोनों की। मोइन, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, प्रोफेशन आपका वो है, और इसमें क्रिएटिव फील्ड में कैसे प्लंज लिया, और कितना ज़्यादा आसान या मुश्किल हुआ है इसमें प्लंज लेना आपको? देखो, आसान और मुश्किल तो मुझे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है, सच बताऊँ मैंने कभी सोचा नहीं है। मेरा पैशन है स्टाइलिंग, बट अगर देखा जाए तो मैं बेसिकली मेरी पूरी इंटायर फैमिली जो है ना म्यूजिकल फैमिली है। सो मेरे ताया या मेरे भाई लोग जितने भी हैं सो वो सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनमें से ही कहीं ना कहीं हमारे आसपास सारा म्यूजिक है। सो वो है ब्लड में, मुझे वो पता नहीं शौक रहा है ज़िंदगी में कि क्या नाम है म्यूजिक, और इससे पहले मेरे गाने आ चुके हैं। सो चल रहे हैं। अरे, आपका जो डेब्यू म्यूजिक वीडियो था वो मतलब टी सीरीज का जो फेसबुक पेज था उसमें बहुत रिकॉर्ड फॉलोअर्स, क्या कहना चाहेंगे वो एक्सपीरियंस कैसा था, और एग्जॉटिक लोकेशन में शूट हुआ था तो वो और ये जो कितना डिफरेंस आप आते हैं, आप जो सक्सेस आपको मिला उस वीडियो के थ्रू, इसमें डिफरेंस तो यही है, पर डिफरेंस एक चीज़ का नहीं है कि फैंस ने तब भी बहुत प्यार दिया था, आज भी उतना ही प्यार दे रहे हैं। फर्स्ट वीडियो पे इतने अच्छे से व्यूज़ होना, एक डेब्यूटेंट को इतने अच्छे से प्यार देना, समझना, वो मैं अपने आप को आई फील ब्लेस्ड एंड लकी एज वेल एज फॉर्चुनेट एज वेल कि कोई भी म्यूज़िक वीडियो इतने लार्ज स्केल पर शूट नहीं हुआ था जो हमारे जुदाई में हुआ था। एंड As an actor, I feel very fortunate कि I get a chance to showcase my talent, that too in less than 4 minutes, जो कि आप and you don't have any dialogues. So एक actor के लिए बहुत अच्छा graph रहता है music video, और वो भी अगर अच्छे level से आ रहा हो, whether it is T series or Z, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। सर, आपसे पूछूंगा आपका क्या मतलब व्यू है म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री को लेकर, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्वालिटी का बताइए कि क्या करना चाहिए। आपने इतना अच्छा सवाल किया, यू नो फ्यू डेज को मैं यही सोच रहा था कि आई डोंट नो एनी मोर कि इतने सारे प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्री में घुसने की वजह से इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, क्योंकि मैंने यही नोटिस किया क्वालिटी इज ड्रॉपिंग एंड क्वान्टिटी इज इंक्रीजिंग। इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए, इतना कॉन्टेंट हो गया ना, दैट पीपल आर जस्ट मेकिंग स्टफ अप। एंड मैं कुछ दिन पहले सोचा था मुझे क्वालिटी कम होते जा रही है, सॉन्ग्स दे जस्ट मेकिंग इट, दे नॉट टेकिंग टाइम, दे डोंट सिंग इट विद देयर हार्ट्स, देयर इज नो इमोशन, द एक्टर्स, अगेन दिस डजंट मीन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग की पूरी इंडस्ट्री ऐसी होगी, बट मैं ये ज़्यादा देखने लगा हूँ बनिस्बत, बिकॉज पहले जब गाने बनते थे इट वॉज नॉट सो मच, तो एक जब गाना बनता था इट वॉज द प्रोडक्शन वैल्यू वॉज फिनोमिनल, इट वॉज ग्रेट टू वॉच। अभी मैं थोड़ा कम देख रहा हूँ, बट दैट्स द I don't know if this what I'm about to say is true or not, but I think शुरुआत होती है गाने से। अगर आपका गाना अच्छा है, if it strikes a chord पूरे टीम में ना, then it just becomes good. And that's what happened on our song. Like पूरे यूनिट को गाना पसंद था, really really पसंद था, everyone wanted to put their best foot forward. तो I do believe what you said is a problem. मुझे लगता है कि quality थोड़ी सी कम होती जा रही, because competition इतना बढ़ गया, but जब एक अच्छा गाना निकल के आता है जैसे मोहिन भाई का गाना, तो इट स्टैंड्स आउट एज यू कैन सी। आई मीन मोर थिंग, आई मीन यू बी अ पार्ट ऑफ अ म्यूजिक वीडियो, आपका जो एक्टिंग पोटेंशियल है वो कितना शोकेस करने का मौका मिलता है, क्योंकि व्हेन यू पार्ट ऑफ अ टीवी शो और अ फिल्म और इवन अ थिएटर प्ले, वहाँ पे तो आप शोकेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे यू नो इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक एंड डांस, तो वहाँ पे कितना लैक करता है ये चीज़ की मीडियम? इट्स वेरी डिफरेंट यार, बिकॉज आपने यू आर एन एक्टर, व्हाट कैन व्हाई आर यू व्हाई आर यू आस्किंग दीस very specific good questions, because they're good questions. Yes, I did face a problem. No, because you are an actor, so I am asking, yes, so what is because your view? No, not in a bad way, I'm giving you a compliment that aapka sawal, this was something I faced, because television shows mein I get so long to do a character, films mein there is a month of rehearsal, web series there's so much back and forth, here there is banisbat bahut kam rehearsal hoti, so आप उसको एक डिसएडवांटेज में भी ले सकते हैं, बट आई कैन टेक दैट एज एन एडवांटेज ऑल्सो, दैट
come planning se, just on the fly what stuff happens. So as an actor, it was a challenge, but I think it was a very, very good challenge. And it worked, just the both of us worked. I don't know. मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कैसे काम किया, बिकॉज टाइम तो हम लोग एक ही एक या दो दिन रिहर्सल किए. मूवीज में हम लोग एक एक महीने करते, थिएटर तो आप दैट्स ऑल वी डू. इधर एक या दो दिन रिहर्सल, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ वर्क, शी इज अ गुड एक्टर एंड जस्ट वी वर्क, सो इट्स गुड, इट्स अ गुड चैलेंज. यस, नो बिकॉज इवन इन एन एड, इफ इट्स ऑफ 10 सेकंड्स और 15 सेकंड्स, यू कैन शोकेस योर एक्टिंग पोटेंशियल इन दैट एड. आई थिंक एक्टिंग पोटेंशियल आप कहीं भी दिखा सकते. We can showcase also, and it is very challenging as well. You don't have a dialogues and all, so definitely जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है. But that is what actor about ना, कि हमें dialogues मिल रहे हैं, चीजें मिल रही हैं, directions मिल रहा है, हम कर रहे हैं. But if we are not having any script or dialogues, how we are portraying? Even in this 3 minutes of duration, we have romantic scenes, crying scenes, fighting scenes, and numbers of emotions. So वो graph हमें मिलता है, तो हम उसमें trained भी होते रहते हैं. I think it's a challenge, but I think it's a good challenge. Good challenge. I think it's fun. And lastly, what's the future project you're working right now? I mean, besides this, I mean, so you're looking for any project or working on? Having said this, मैं आपको details नहीं बताने वाला हूँ. किसी को भी details नहीं बताऊँ, because पता है क्या हुआ था? इससे पहले मोइन भाई media से interaction रहा है 2 सालों में, जब से show छूटा है. तो they keep asking me, what are you doing? And मैं बहुत openly, मैं सोचता नहीं हूँ कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए. I'm very open with what I'm doing. मैं आपको details बता दूँगा मेरी कहानी का. तो मैंने बताया script लिख रहा हूँ, feature film है, all of that. इतना बोला सबको कि जाके अटक गया climax पे. अब लोग जब पूछे वो फिल्म का क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ हाँ वो बस तो ना उतना ही हुआ जितना आपको पता है. सो मैं इस बार डिटेल्स नहीं दूंगा, बट आई विल टेल यू दैट आई एम अ प्रोड्यूसर एज वेल, आई एम वर्किंग ऑन माय ओन प्रोजेक्ट एंड लेट्स सी. बेस्ट विशेस आर. एंड अबाउट यू, यू आर ग्रेट फैन ऑफ इरफान खान सर, आई मीन द लेजेंड. आई मीन क्या 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 सीखने को मिला उनके एक्टिंग स्किल से, उनके अचीवमेंट से, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो? इरफान सर जी हाँ बिल्कुल, गुरु मानती हूँ उनको. एंड वो एक ऐसे शख्स है जिन्होंने एंटायर इंडियन सिनेमा की वेव चेंज की, ऐसा मैं मानती हूँ. एक्टिंग के ज़रिए जो रिदमिक लेकर आए हैं, जो मेथड एक्टिंग हटाई है उन्होंने, वो ग्राफ, वो बैरिकेड को ब्रेक करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क. वो करे हैं, और हम मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि द काइंड ऑफ सिनेमा आई एम एंटरिंग इज़ द वन आई लव, जिसमें रिदमिक हो, फीमेल सेंट्रिक करेक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है. तो ये सब कुछ और उनसे जितना भी सीखा, ये हमारा अनलकीनेस है कि हम एंटर हुए हैं. और ही इज़ नो मोर, बट वो ही इज़ नो मोर इन अ वर्ल्ड, बट ही इज़ इन अस, ही इज़ इन अस, दैट्स व्हाट आई फील. और उनसे जितना रहा है सीखते रहे हैं, सीखते रहेंगे. उन्होंने जितना काम किया है उसको आप एक काम को भी आप यू कैन टेक अ मंथ्स एंड मंथ्स उनसे सीखें. टुकड़े टुकड़े दिल दे करके माही वे तू खुश हो जा, जिन्हें सारे ख्वाबा वेखिया दिल ने तू संग संग सब ले जा, जिथे भी तू जावे तेनू याद नी मैं करना, छड़ जाने दे मैनू मैनू इश्क नहीं करना, छड़ जाने दे मैनू इश्क नहीं करना. लवली, हमने काफ़ी फिल्में की हैं, 20 से 25 फिल्में की हैं और 20 से ज़्यादा सिंगल वीडियोस की हैं. लेकिन इस गाने का हमें हमेशा से एक्साइटमेंट रहा है, इस गाने को लेके 6 से 7 महीने हो गए जब से बना है, क्योंकि इसमें एक गाने में रूह थी. कुछ चीज़ें ना हमें बोली जाती हैं कि ऐसा गाना बनाओ, ये चीज़ें करनी है, एक गाना हिट हो गया है वैसा गाना बनाओ.
ये गाना हमने ना दिल से बनाया है, जो जो जैसे अभी मोइन ने कहा है कि ये लोग बेसाख्ता लिखते हैं, लोग बिना सोचे जो दिल में आता है वो करते हैं, तो ये गाना ऐसे ही बना है कि एक आइडिया शेयर आया कि भाई ऐसा एक गाना होना चाहिए कि लोग उसको पसंद करें और रूह में दिल में उतरे वो गाना। तो वी हैव थॉट ऑफ समथिंग जो एक, और ये गाना आप यकीन करें आज हमें लग रहा है कि शायद बहुत मेहनत से बना है, लेकिन हम ये सोचते हैं गाना अल्लाह ने दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में गाना बना था, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हमने उसके बोल रहे हैं और गा रहे हैं, बोल रहे हैं गा रहे हैं, मोइन भाई सामने थे और मोइन ने इस गाने को 15 मिनट में गाया। इस ये मेरे कहने का इसलिए मकसद ये है कि लोगों के दिमाग में ये है कि ही इज़ अ हेयर स्टाइलिस्ट, बट ही इज़ अ फैबुलस सिंगर, ख़ानदानी सिंगर है, इन्होंने म्यूज़िक की पूरी ट्रेनिंग ली है और बाकायदा ये सिंगर ही बनने इस इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन इनको एक शौक है, एक जैसे हॉबी होती है, मुझे फ़ोटो खिंचाने का हॉबी है बट आई एम नॉट अ एक्टर, तो किसी को एक हॉबी होती है तो वो उनकी एक हॉबी है। आई फील ही इज़ अ प्रोफेशनल सिंगर, और अभी जो हमने और 3 गाने इनके साथ रिकॉर्ड किए ये इससे मच बेटर है, उसका फील अलग है। तो हेड्स ऑफ टू मोइन के वो इतने मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं कि जो भी काम कर रहे हैं वो एस कर रहे हैं, द बेस्ट कर रहे हैं। आज हेयर स्टाइलिस्ट भी वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट ऑफ बॉलीवुड हैं, और इंशाल्लाह कुछ ही साल में वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड सिंगर भी बन जाएंगे। आप सबकी दुआ चाहिए। सर, व्हाट अबाउट योर एसोसिएशन और हाउ वाज इट वर्किंग विद? मेरा सिर्फ एक कहना है कि फनकार सुनकार के बिना कुछ नहीं है। जो हम फनकार हैं, आप लोगों ने आज इतनी छोटे से टाइम में इसको इतना प्यार दिया, एल्बम को हमें इतना प्यार दिया है कि हर गाने जितनी भी हम लोगों ने पिक्चर करी है आज तक सबको इतना प्यार मिला है, लेकिन इस वही अमजद भाई का कहना, इस गाने से हमारा एक अलग ही लगाव था, क्योंकि ऐसा बनाना है वैसा बनाना है ये हमें किसी डायरेक्टर की तरफ से फोर्स नहीं था। और जब एक अच्छा कंपोजर एक अच्छा कंपोज कर देता है, अच्छा सिंगर अच्छा गा देता है और एक्टर उसमें जब वो जान डाल देता है, जो अदनान भाई ने और आयरा जी ने करा है, उसका बाकमाल, मतलब हर एक मोमेंट अगर एक मिस होता तो ऐसा लगता है क्या हुआ होगा। जो वीडियो की इनका कॉन्सेप्ट था तो वो हमारी मेहनत रास आई। क्या होता है कभी कभी कंपोजिशन बहुत अच्छी हो गई, शूट इतना अच्छा नहीं हुआ, कभी कभी लिरिक्स अच्छे हो गए, लिपसिंग नहीं कर रहे हैं सिंगर, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कभी कभार नहीं मैच हो पाती। इस गाने के साथ ऐसा हुआ है कि हर चीज़ अपनी जगह आके बैठी है और लोगों ने प्यार दिया है, उससे हम बहुत खुश हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैकेज है इसका, म्यूजिक भी लिरिक्स भी मोइन भाई ने गाया भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल प्रोग्रामिंग उसको बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग किया है। इसमें हमें ऐसा लगता है गाना बनने में ना कुछ बहुत बड़े बड़े एस्पेक्ट्स हैं, ऑडियो हमने रेडी कर लिया और हर स्टूडियो में जब ऑडियो बनता है तो उनको लगता है कि हमने बहुत ही अच्छा गाना बना दिया, इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग, ये हर और होना भी चाहिए, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। उसके बाद जब हम हमारी एक्साइटमेंट वीडियो की तरफ होती है और जब इतना प्यारा वीडियो बनता है तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है मीडिया से, जो आप लोगों ने किया है एक वीडियो इतना प्यारा जिसकी इतने अच्छे इमोशंस है। आज आप देखो उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं और उस कैरेक्टर को आप 5 मिनट तक देखते रहो, बहुत बड़ी बात है। ये इन लोगों को हैट्स ऑफ कि ये लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि ऐसा लगता है कि मैं तो अपना एक गाना तो सुन ही नहीं रहा था, इनका वीडियो ही देख रहा था कि पहली बार देखे तो मुझे गूज़बम्प्स आ गए। मैंने बोला क्या वीडियो बनाया, थैंक यू। मैंने पूरी टीम को पर्सनली सबको मैसेज किए, इनफैक्ट डायरेक्टर और जितने एसोसिएट डायरेक्टर हैं सबको मैसेज किए, यू हैव वर्डल, मतलब आप लोगों ने जो मेहनत करी है वो काबिले तारीफ है। उसके बाद मीडिया ने जो 1-2 दिन में इसको जहाँ तक पहुँचाया, थैंक यू राशिद भाई, आपने उस लेवल पे ले गया, क्योंकि एक आर्टिस्ट सिर्फ स्टूडियो तक सहमित रहता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। अपना बेस्ट हम एक 4 दीवारी माइक और इक्विपमेंट्स के साथ दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो डायरेक्टर आर्टिस्ट और उसके बाद ये आप लोगों की मेहनत होती है ये हमारे उस छोटे से गाने को बहुत बड़ा बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आप लोग उस गाने को यहाँ तक लेके आए और मेरी बहुत दरख्वास्त है आपसे, क्योंकि ये बहुत प्यारा गाना बन गया है, इसको और आगे तक लेके जाएं और इसको बड़े से बड़े लेवल तक लोगों तक पता चले कि इट्स द बेस्ट सॉन्ग। बस एक और सवाल असली ये पूछना चाहता हूँ कि गाने तो अच्छे आते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं और काफ़ी पॉपुलरिटी मिलती है मीडिया के थ्रू ही, लेकिन लॉन्गेविटी जो कहते हैं मतलब समय का ड्यूरेशन, कि बहुत कम समय में ऐसा होता है कि याद रखा जाए उस गाने को, जैसे 90s के गाने 80s के गाने कहते हैं, अभी 10 साल में आपने ऐसा कोई भी गाना नहीं सुना को जो कि बहुत आपको सुनने का अच्छा करता हो? जो दिल से बात निकलेगी वो दिल तक पहुँचेगी,
क्योंकि आज लोग दिमाग से काम कर रहे हैं आजकल, जो भी चीज दिल से बनी है ना वो दिल तक लोगों तक पहुंची है और हिट हुई है। आप एक्टर को देखिए, वो जो दिल से एक्टिंग करता है वही सक्सेसफुल है। जो सिंगर गाता है दिल से, आप खुद खुद किसी को बोलना नहीं पड़ता कि कैसा लग रहा है, वो खुद कहता है वाह। तो वाह का मतलब ये होता है कि कुछ तो बात है। तो सर, हर दौर में अच्छे बुरे लोग रहे हैं, कोई भी काम अपना बुरा नहीं करता, जिसकी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से वो अपना काम करता है। तो हर आदमी से ये दुआ है कि सब लोग मिलकर ये जो हमारी इंडस्ट्री है, जिसमें हम लोगों ने, जहाँ से हमारी लाइफ चली है, जिन्होंने हमें बनाया है, तो हम ये दुआ करते हैं अच्छे अच्छे लोग जुड़े, हमसे भी जुड़े, हम भी उन लोगों के साथ जुड़े और एक अच्छा काम करें। और व्हाट आर द फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट, मैंने ये तो कर ही लिया आपने। अभी हमारी फिल्म, अभी तो सिंगल्स भी काफ़ी आ रहे हैं, सनी देओल के 2 सिंगल आ रहे हैं, अभी इससे पहले भी हमारे काफ़ी सिंगल्स आए। फिर एक फिल्म आ रही है कोको कोला, वो भी सनी देओल के साथ ही है। फिर विस्फोट आ रही है, विस्फोट आ रही है, ओम आ रही है, ओम आ रही है, आदित्य रॉय का, आदित्य रॉय कपूर की। बट ये सब तो जिंदगी में चलता ही रहता है। एक जो जो काम हमने इसमें किया है वो शायद किसी में नहीं, क्योंकि हमने अपने भाई के लिए काम किया, वी आर कजन ब्रदर्स ऑल्सो। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि बातें तो जिंदगी भर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एक बार मोइन के साथ हम लोग ये गाना गाना चाहेंगे, फिर जो सवाल आपके हम बिल्कुल देंगे, क्योंकि हमारी ये जो टीम है ना, ये गाना बिल्कुल इनके बिना अधूरा। क्या है जब कंपोजर कंपोज कर, चलिए स्टार्ट जी, जब हमारा सिंगर रेडी है लोग कोरस करेंगे। रेडी, टुकड़े टुकड़े दिल दे करके माही में तू खुश हो जा, जिले सारे ख्वाब वेखिया दिल ने, तू संग संग सब ले जा, जिथे भी तू जावे तेनू याद नहीं मैं करना, जाने दे मैनू छड़, जाने दे मैनू, मैनू इश्क नहीं करना, छड़ जाने दे मैनू, छड़ जाने दे मैनू, मैनू इश्क नहीं करना। ऐवे घुट घुट नहीं हो, ऐवे घुट घुट नहीं हो मरना, छड़ जाने दे मैनू, छड़ जाने दे मैनू, मैनू इश्क नहीं करना। थैंक यू, थैंक यू।